हिल के नून नगर के नो महाड़ा की बिल्डिंग में रह रहे 600 परिवार वालों पर बेघर होने की नौबत आ गई थी। महाड़ा ने इन्हें घुसपैठिया करार देते हुए घर खाली करने का नोटिस दे दिया था और घर खाली करवाना शुरू भी कर दिया था, लेकिन शिवसेना अफजड़ वातुक सेना के महासचिव इंद्रपाल सिंह मारवा सत्ती इन लोगों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने सांसद राहुल शेवाले से मदद मांगी, जिसके बाद राहुल शेवाले और अफजड़ वातुक सेना अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल के नेतृत्व में इंद्रपाल सत्ती ने इन मजदूर रहवासियों की मीटिंग महाड़ा प्रशासन से करवाई। इनका कहना है कि ये गरीब रहवासियों की जीत है। सत्ती जी हमारे यहाँ पे लोगों को मेरे पास लेके आए थे, तो उनके जो माड़ा की समस्या थी वो हमने माड़ा के अध्यक्ष के सामने रखी और आने वाले दिनों में माड़ा के अध्यक्ष ने भी आश्वासित किया था कि यहाँ की जो समस्या है वो दूर करेंगे। तो आज जीतने के बाद लोगों का आशीर्वाद लेने के यहाँ पे आया हूँ। उनकी दुआओं की वजह से फिर एक बार मुझे सांसद बनने का मौका मिला है। तो अभी मेरी जिम्मेदारी है उनको जो भी कठिनाइयाँ होगी, जो भी उनके डिफिकल्टीज होगी वो सॉल्व करेगी, और सती जी हो, हमारी रीना मैडम हो, उनके साथ है, हम पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सर, ईद की किस तरीके से लोगों को? ईद आज जिस दिन मुझे लोगों ने दुआ दे के जीता है उसी दिन सभी जगह पर ईद मनाई जा रही है, तो मैं सभी को ईद मुबारक देने के लिए भी यहाँ पर आया हूँ। दो तीन दिन के बाद ईद पूरे देश में मनाई जाने वाली है, लेकिन पूरे देश में अभी ईद का ही माहौल है, तो ईद के शुभ अवसर पर यही सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि ईद एक दिन के लिए नहीं, 365 डेज हर एक के घर में ईद मनाई जाती है। जीत के बाद काम पर ही लगेंगे कि लोगों की जिम्मेदारी है, लोगों की अपेक्षा पूरी करनी है, तो ही लोगों का विश्वास हम लोग फिर एक बार जीतने का एक फिर एक बार मौका जो मुझे मिला है तो वह संपादन करेंगे पूरा। क्या कहेंगे आज आप महाड़ा में लोगों के साथ? वजह यही है जो 4 महीने पहला मुद्दा था आप लोग ने कवर किया ही था कि कुछ दलालों के द्वारा और वहाँ के कुछ राष्ट्रवादी और कांग्रेस पॉलिटिशियन के द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा था, इनको धमकी दी जा रही थी पैसा दो या घर खाली करो। हर घर से 2-3 लाख मांग रहे थे वहाँ के पॉलिटिशियन कुछ और कुछ दलाल। तो वही वजह है कि जब मेरे पास आए 4 महीना पहला तो शिवसेना और शिवसेना अफजड़ वातुक सेना ने इनकी समस्या को देखा और सुना और हमने ताबड़तोड़ के लेटर तैयार किया। इन्होंने मुझे एक एप्लीकेशन दी, वो एप्लीकेशन में कम से कम 400 लोगों के सिग्नेचर थे, उनके नाम नंबर थे। तो ये चीज़ लेके मैं हमारे जो खासदार राहुल शिवाले साहब उनके पास गया, हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष बल साहब उनके पास गया, उन्होंने ताबड़तोड़ इस चीज़ को नोट करते हुए आगे बात की ऊपर के लेवल पर। जैसे कि अब आज इधर हम आए आज माड़ा में, हमारे जो माड़ा के सभापति है माननीय श्री विजय नाटा साहब उनके पास आए, हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष बल साहब, हमारे खासदार राहुल शिवाले साहब ने उनको फ़ोन किया और पत्र दिया। तो आज वहाँ हेयरिंग थी, हेयरिंग में हमारी चर्चा हुई विजय नाटा साहब के साथ, उन्होंने हमारी फाइलें देखी। अभी उन्होंने सब फाइलों के ऊपर जो वहाँ के अधिकारी हैं उनको फाइलें दी हैं, स्टडी करने बोला है और उनको बोला है कि इस पर जल्द से जल्द हल निकालो। वहाँ पे माड़ा नूरा बाज़ार में 9 बिल्डिंग है जिसमें 630 घर है, 630 परिवार रहते हैं। तो ये वही लोग हैं जिनको दलालों द्वारा धमकी दी जा रही है और घर खाली कराए जा रहे थे। वो बोलते हैं कि नहीं, माड़ा के अधिकारियों ने हमको बोला घर खाली कराओ। ये जो लोग आए हैं ना, ये आम लोग हैं, इनको यहाँ की ABC नहीं पता, शायद इन्होंने आज तक माड़ा में पैर नहीं रखा है, इनको यहाँ तक आने का मौका नहीं मिला। वहाँ के जो कांग्रेस NCP के पॉलिटिशियन हैं उन्होंने जो दलाल पाल के रखे थे वहाँ पर, उन्होंने इनको धमका के रखा था, यहाँ तक आने नहीं दिया। तो यही कारण है यहाँ तक लाने का कि जनता का हक है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है माड़ा, जनता के लिए खुला है, पब्लिक डायरेक्ट यहाँ आ सकती है। हमारे जो सभापति है नाटा साहब, उन्होंने ही बोला कि आपने बहुत अच्छा किया कि उनको डायरेक्ट यहाँ तक लाए, कि जो हमारे प्रतिनिधि बैठते हैं यहाँ पर, चाहे वो खासदार हो, आमदार हो या मंत्री हो, वो बैठते हैं जनता के लिए, तो जनता को मिलना उनका अधिकार है। तो वो खुद बोल रहे हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, और उनको पता नहीं था कि इतनी बड़ी समस्या है। तो वो बोलते नहीं, इनको हम हल करेंगे और इनकी जो भी समस्या आने वाले 1 महीने के अंदर शिवसेना और शिवसेना अफजड़ वातुक सेना और हमारे जो माड़ा सभापति शिवसेना के वो सॉल्व करके देंगे। जरूर जरूर, ये सच्चाई की जीत है, ये शिवसेना की जीत है और ये जनता की जीत है। जनता ने जो विश्वास हम पे रखा था 4 महीने पहले, उसको कल हमारे खासदार राहुल शिवाले साहब ने इनके बीच में आके माड़ा कॉलोनी में कल वह भाषण में बोला कि आपका काम हम करके देंगे। ये एक जीत हो गई, एक विश्वास हो गया। आज दूसरी जीत ये है जो हमारे माड़ा के सभापति हैं महाराष्ट्र के अध्यक्ष बल साहब के द्वारा, जिनको हम मिले आज विजय नाटा साहब को, उन्होंने इनको पर्सनली मिल के बताया है, इनकी एक एक फाइल उन्होंने देखी है। तो ये बहुत बड़ी बात और ये सच्चाई की जीत है
और ये शिवसेना का काम है जो बोलता है कि शिवसेना जो बोलती है वो करती है और उसका उदाहरण आज यहाँ दिख रहा है। हमने चार महीने पहले जिनको वादा किया था आज हम यहाँ खड़े हैं, माड़ा के बाहर इनकी फाइलें ऊपर गई हैं और आने वाले एक डेढ़ महीने में इसका फैसला होगा। धन्यवाद।